दोस्तों अज मैं तुहानू सुनाउण जा रहा ओ हैनरी की लिखी कहानी विचर स्लोव्स दा पंजाबी अनुवाद बेहियां रोटियां। ये अनुवाद चरण गिल जी ने किया है ते आवाज़ है मेरी यानी जगसीर दी। मिस मार्था मैखम गली दे नुक्कड़ ते एक छोटी जी बेकरी चलाउंदी सी। ये ओ थां है जिथे तुसी तीन कदम उपर चढ़ जांदे हो ते जदों दरवाज़ा खोलदे हो ते एक टल्ली ठुणकदी है। मिस मार्था 40 साल दी सी। उदी बैंक की कापी उदा $2,000 का बैंक बैलेंस दसदी सी। वह दो नकली दंदा ते एक दयालु दिल की मालक सी। बहुत सारे अजिहे लोग जिन्हां दीआं विआह दीआं संभावनावां मिस मार्था नालों भी घट सन हुण तक शादीशुदा भी हो चुके सन। हफ्ते विच 2-3 वार एक गाहक बेकरी ते आउंदा सी जिस विच मिस मार्था दिलचस्पी लैण लगी। वह एक दरमानी उम्र का बंदा सी जो ऐनक लगाउंदा सी। उसकी दाढ़ी भूरी ते बड़ी ध्यान नाल कट्टी हुई हुंदी। वह ठेठ जर्मन लहजे विच अंग्रेजी बोलता सी। उसका लिबास पुराना ते जगह जगह तो रफू कीता जां फिर ढिल मुल ते वट पिया हुंदा, लेकिन वह एक साफ सुथरा ते सोहणे सलीके वाला व्यक्ति नज़र आउंदा सी। वह हमेशा 2 बेहियां डब्बर रोटियां खरीदता। ताज़ा डब्बर रोटी 5 सेंट की सी जदों कि इन्ने विच बेहियां 2 आ जांदियां। उन्हें 20 डब्बर रोटी के अलावा कदे कुछ नहीं सी खरीदया। एक दफा मिस मार्था ने उसदी उंगलियां ते लाल ते भूरे रंग के धब्बे देखे तद उन्हें भरोसा हो गया कि वह कोई चित्रकार है ते बेहद गरीब है। इस विच कोई शक नहीं सी कि वह एक चुबारे विच रहिंदा सी जिथों चित्रकारी करदा ते बेहियां रोटियां खांदा। मिस मार्था की बेकरी उत्ते मौजूद होर चीज़ खाण दी वह बस कल्पना ही कर सकता सी। अक्सर जदों मिस मार्था अपने मनपसंद दीआं चीज़ां लैके खाण पीण लई बैठदी तां आह भरदी ते ख्वाहिश करदी काश उह शरीफ चित्रकार किसी ठंडी ते हवादार बालकोनी विच बेही रोटी खाण दी बजाए उस दीआं स्वादी चीज़ां दे आनंद लैण विच शरीक हो सकदा। जिवें कि तुहानूं पहलां दस्सिया ही है मिस मार्था दे दिल विच हमदर्दी कुट कुट के भरी हुई सी। इस शख्स दे पेशे दे संबंध विच अपने नज़रिए दी तसदीक लई एक दिन मिस मार्था अपने कमरे विचों ओह पेंटिंग चुक लई जो उन्हें सेल विच खरीदी सी ते अपने काउंटर दे पिछे अलमारी ते टंग दित्ती। ए वीनस दा एक दृश्य सी। पानी विच मूरे संगमरमर दा बणिया एक शानदार महल सी जिस दे पिछोकड़ विच पानी विच किश्तियां तैर रहियां सन। विच एक औरत बैठी सी। वह पानी विच हाथ नाल लकीर बुंदी जा रही सी। इस दे अलावा बदल असमान धुप ते परछावां दा खेल सी। गल की पेंटिंग अजिही सी कि कोई भी कलाकार इस वल ध्यान दित्ते बिना रह नहीं सी सकदा। 2 दिनां बाद वह गाहक आया। मेहरबानी करके 2 बेहियां रोटियां दियो। मैडम तुसी बड़ी वधिया पेंटिंग लगाई है। मिस मार्था लिफाफे विच रोटी लपेट रही सी। जी हाँ, मिस मार्था ने अपनी तेज दृष्टि उत्ते गदगद हुंदिया कहा, मैं कला नूं ते कलाकारा नहीं इन्नी जल्दी नहीं कहना चाहीदा। मैं कलाकारा ते कलाकृतियां नूं बहुत पसंद करदी हाँ। उन्हें गल बदल दित्ती, तुहाडा की ख्याल है ये वधिया पेंटिंग है? इस विच तवाजुन ठीक नहीं, परस्पेक्टिव भी असली नहीं है, ये कोई बाली वधिया तस्वीर नहीं। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। उसने अपनी रोटी फड़ी ते तेजी नाल बाहर निकल गया। यकीनन वह एक कलाकार ही है। मिस मार्था तस्वीर नूं कर लै गई। उस दीआं अखां चश्मे दे पिछे किवें रहम दिली ते शराफत नाल चमकदियां सन। उसका मत्था किन्ना चौड़ा सी। उन्हें किवें इक्को ही झात नाल परस्पेक्टिव नूं जांच लिया ते अजिहे शख्स नूं बेहियां रोटियां खाणियां पैंदियां। पर जहीन लोगों अक्सर अपनी पहचान बनाने संघर्ष करना ही पैंदा है। कला ते इस परस्पेक्टिव दे किसे जहीन कलाकार नूं सहारा देने लई बैंक विच पए $2,000, एक बेकरी ते एक हमदर्द दिल, बस कमाल ही हो जाए। पर ये मिस मार्था दीआं जागदीआं अखां दे सुपने सन। हुण जदों ओह आउंदा तां अक्सर काउंटर ते थोड़ी बहुत गल कर लैंदा। मिस मार्था नूं लगदा कि शायद उसनूं खुशगवार शब्द दरकार सन। उस गाहक ने बेहियां रोटियां खरीदना जारी रखा। उसने कोई केक समोसा जां बेकरी दी कोई लजीज चीज़ कदे नहीं खरीदी सी। मिस मार्था दा ख्याल सी कि वह पहला नालों पतला हो गया सी ते निराश भी लगता सी। मिस मार्था दा दिल दुखदा सी कि काश वह उसकी मामूली खरीददारी विच किसी चंगी चीज़ का वाधा कर सकती, मगर कोई अजिही कोशिश करते हुए उसकी हिम्मत जवाब दे दिंदी। मार्था विच उसकी तौहीन करन दा जेरा नहीं सी। वह कलाकारां दी अणख तो खूब वाकिफ सी।
मिस मार्था काउंटर के पिछे अपनियां नीलियां टिक्कियां वाला लहंगा पहनती हुंदी सी। मगरले कमरे विच ओ सुहागे ते बही दाणे नूं मिला के कोई रहस्यमई मिश्रण तैयार कर लिया करदी। बहुत सारे लोग इस नूं चेहरे दे निखार लई वी वरतदे सन। एक दिन आम वांग ओह गाहक आया। उसने धात दा एक सिक्का काउंटर ते रख्या ते अपने लई बेहियां रोटियां दी मंग कीती। मिस मार्था रोटियां देण लई बाहर आ ही रही सी, इन्ने विच ही बाहर रौला रप्पा पैणा शुरू हो गया। कोई फायर ट्रक सायरन वजाउंदा होया गुजरिया सी। गाहक सुभाविक तौर ते मामला जानण लई तेजी नाल दरवाजे वल नूं गया। मिस मार्था ने अचानक मौके दा फायदा चक्कण दी सोची। नुमाइशी वस्तां वाली शीशे दी अलमारी दे हेठले खाने विच ताज़ा मक्खन दी टिक्की पई होई सी, जो 10 मिंट पहला ही गवाला दे के गया सी। एक चाकू नाल डब रोटियां विच डूंघा चीर लगा के मिस मार्था ने उस विच काफ़ी सारा मक्खन भर दिता ते उसनू फिर चंगी तरह दबा दिता। जदों गाहक मुड़ के आया तां उह रोटियां लिफाफे विच लपेट रही सी। जदों उह आम दे उल्ट चंगी खासी खुशगवार गल्लबात तों बाद चलिया गया तां मिस मार्था अपने आप उत्ते मुस्कुराई। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਨਾ ਉਖੜੀਆਂ ਹੋਣ? ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮਨਾਏਗਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੱਖਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰਾ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। उसने बुरश ते रंगा दी तख्ती रख दिती होवेगी। कोल ही उसका ईजल खड़ा होवेगा जिस उत्ते ओ तस्वीर लगी होवेगी, जिसका दृश्य बोध आलोचना तो परे होवेगा। हुण ओ खाण दी तैयारी कर रहा होवेगा। पानी ते खुशक रोटियां, ओ रोटी दी बुरकी तोड़ेगा। आह, मिस मार्था दीआं गल्लां शर्म नाल सुन्नियां हो गईआं। खांदे होए की ओ इन्हां हत्थां बारे सोचेगा जिन्हां ने इन्हां रोटियां ते मक्खन लगाया होवेगा? सोचेगा भी या नहीं? मुख दरवाजे की घंटी जोर जोर नाल वजन लगी। कोई रौला मचाउंदा होया अंदर आ रहा सी। मिस मार्था तेजी नाल अगे नूं आई। उत्थे दो आदमी खड़े सन। एक नौजवान जो पाइप पी रहा सी, इस नूं मार्था ने पहला कदे नहीं वेख्या। दूजा उसका कलाकार सी। उसका चेहरा लाल तप रहा सी, हैट सिर दे पिछे नूं डिग्गिया होया सी। उसदे वाल बेहद उगड़े दुगड़े सन। उसने अपनियां मुट्ठियां मीचियां सी ते वैशी अंदाज विच मिस मार्था दे चेहरे ते चिल्लाया, बेवकूफ, बेअकल, बुद्धू। जर्मन भाषा विच इहो जिहे अर्थां वाले कुछ होर शब्द बोलिया ते उच्ची उच्ची चिल्लाया। नौजवान ने उसनू खिच के बाहर ले जाण दी कोशिश कीती। मैं नहीं जाना, वह गुस्से नाल बोलिया, मैनू हुणे दसदा। गाहक मिस मार्था दे काउंटर ते मुक्के मारदा चीख्या, तू मैनू बर्बाद करता। उसदियां नीलियां अखां ऐनक दे शीशां दे पिछे दग रहीआं सन। मैं तैनू हुणे दसदा, तू कुछ भैठीए बुढ़ीए बिल्लीए। मिस मार्था नूं दौरा जिहा पिया ते अलमारी उत्ते झुक गई। उसने एक हाथ नाल नीली टिक्कियां वाले लहंगे नूं फड़िया होया सी। नौजवान ने दूजे नूं कालर तों फड़ के कहा, चलो आ जाओ, तुसीं बहुत बोलता। वह गुस्से नाल तमतमाउंदे आदमी नूं खिचदा होया दरवाजे तों बाहर गली विच लै गया। कुछ देर बाद नौजवान वापस आया ते बोलिया, मैडम जरा अंदाजा लाओ मैं तुहानूं की दसण लग्या। असल कहानी की है ते ये सारी झकमारी की है? ये बलमबर्ग एक मार इमारती नक्शानवीस है। मैं इस दे नाल उसे दफ्तर विच काम करदा ते ये नवे सिटी हाल का नक्शा बनाउण दी योजना उत्ते 3 महीने तो सख्त मेहनत कर रहा सी। ये एक इनामी मुकाबला सी। उसने कल आखिरकार शाही नाल सारा खाका मुकम्मल कर दिता ते तुहानूं पता ही है कि खाका हमेशा पहला कच्ची पेंसिल नाल बनाया जाता, फिर नक्शानवीस बेई रोटी के चूरे नाल पेंसिल दीआं लकीरां मिटाउंदा क्योंकि यह इंडियन रबड़ नालों बेहतर सफाई दिंदा। बलमबर्ग इत्थों बेहियां रोटियां खरीददा सी ते तुहानूं पता ही होना कि मक्खन नाले काम किन्ना खराब हो जू। बलमबर्ग का नक्शा हुण किसे काम दा नहीं सिवाय सैंडविच लपेटण वाले कागज दे। मिस मार्था मगरले कमरे में चली गई, नीलियां टिक्कियां वाला लहंगा उतारिया ते पहलां वाली भूरी उन्नी कोटी जो अक्सर पहनदी सी पहन ली। फिर उसने बई दाणे ते सुहागे दा कड़ा खिड़की विचों बाहर कूड़े के ड्रम विच सुट दिता। दोस्तों तुसी सुन रहे सी ओ हैनरी दी लिखी कहानी विचर स्लोव्स दा पंजाबी अनुवाद बेहियां रोटियां। ये अनुवाद चरण गिल ने कीता है ते आवाज़ है जगसीर दी।